हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हमने एक अमेजन से कुछ ऑर्डर किया था, वो प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है दोस्तों, तो उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये वीडियो आज का हमारा अनबॉक्सिंग का होने वाला है। दोस्तों, ये पार्सल मिला है हमें अमेजन से, आज इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर हम क्या है। Focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. दोस्तों, इस कार्टून के अंदर एक और भी प्रोडक्ट है जो हम आपको नए वीडियो में बताएंगे। तो अभी ये हमारे पास सुंदर सा प्रोडक्ट मिल गया है, बोया का BYM1 माइक। तो दोस्तों, ये माइक मैंने वीडियो व्लॉग शूट करने के लिए मंगाया है, क्योंकि जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में वीडियो की क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने बोया का BYM1 माइक मंगाया है। दोस्तों, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मंगा लिया है बोया का BYM1 माइक। अब इस माइक को करेंगे अनबॉक्स और आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है। सीधा इस माइक को खोल देते हैं फ्रेंड्स, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। और इसके अंदर हमें ये छोटा पाउच मिला है और उसके बाद में ये एक छोटी सी पैकेट मिली है। दोस्तों देखिए, ये छोटा सा थैला है बोया का, जिसके ऊपर ये बोया लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। फ्रेंड्स, इसके अंदर माइक है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके अंदर कुछ ये कार्ड्स वगैरह हैं, ये यूजर मैनुअल है फ्रेंड्स, इसको साइड में रख देते हैं। एक ही और क्या है, ये वारंटी कार्ड है फ्रेंड्स, वारंटी कार्ड जो चाइनीज में लिखा हुआ है। आप पढ़ के बता देना मेरे को क्या लिखा हुआ है इसमें। ये छोटा सा गोया का स्टिकर भी मिला है फ्रेंड्स, ये पूरा खाली हो गया है। एक छोटी सी पुड़िया है, इसके अंदर पता नहीं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये बोया का माइक है, इसके वायर है, इसकी लेंथ लगभग 20 फीट है फ्रेंड्स, और ये छोटी सी डिब्बी भी है साथ में। और इधर ये माइक है, तो यहाँ से खुलता है फ्रेंड्स, ऐसे इसको खोलने के बाद यहाँ पे सेल डलता है, जो कि अगर आप DSLR में यूज़ करते हैं, कैमरा में यूज़ करते हैं तो सेल लगाते हैं, अगर मोबाइल में यूज़ करना है तो बिना सेल के भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी इसको रख देते हैं साइड में। और ये छोटा सा पैकेट है जिसके अंदर आप इसको माइक को रख सकते हैं सेफ्टी के लिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है फ्रेंड्स। और अभी एक छोटी पुड़ी और मिली है, पुड़िया इसके अंदर क्या है देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर एक विंड फॉर्म है जो आपकी जो अदर मतलब वॉइस होती है उसको थोड़ा ये कम करता है। और ये एक जैक है कैमरा के लिए। और उसके बाद में ये कॉलर पिन है दोस्तों, ये बोया का एक कॉलर माइक है जो यहाँ कॉलर पर लगाया जाता है फ्रेंड्स। इसके अंदर कॉलर पिन है, आप देख लीजिए। और एक है ये सेल जो कि कैमरा में यूज़ करते टाइम काम में लिया जाता है। दोस्तों, अभी इस माइक को माइक के ऊपर मैं लगा देता हूँ फॉर्म। दोस्तों, इस माइक की टेस्टिंग, ऑडियो टेस्टिंग मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि इस माइक की ऑडियो किस प्रकार की है, इसकी क्वालिटी कैसी है। दोस्तों, इस माइक के रिव्यू मैंने देखे थे जो काफ़ी अच्छे थे, यानी कि इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार बता रहे हैं और देखने में भी इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार लग रही है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये माइक परचेज करना है तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजन पे जाके आप इस माइक को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।